गुजरात के वडोदरा के दक्षिण जोन तरसाली आदर्श नगर से रूपारेल कांस की ओर बरसाती ड्रेनेज पाइपलाइन डालने का भूमि पूजन किया गया। वडोदरा के दक्षिण जोन तरसाली आदर्श नगर से रूपारेल कांस की ओर जाने के मार्ग पर लगभग 4,82,95,000 के खर्च से बरसाती गटर डालने की कार्यवाही शुरू की गई है, जिसका भूमि पूजन किया गया। यहां 2,850 मीटर लंबी RCC पाइप डाली जाएगी। मुख्यमंत्री शहर विकास योजना वर्ष 2023 के अंतर्गत ग्रांट मिली है, 7 महीने में इस कार्य को पूर्ण किया जाएगा। भूमि पूजन के मौके पर विधायक योगेश पटेल, कॉर्पोरेटर घनश्याम पटेल और मेयर पिंकी सोनी उपस्थित रहे। इस मौके पर स्थानीय लोगों द्वारा रीडेवलपमेंट की मांग की गई। यहां के लोगों ने विधायक और मेयर समक्ष अपनी समस्या रखी। जे पाइपलाइन नो कामगिरी जे मंजूर थई छे बरसाती माटे 100 मिलीमीटर અને 400 મિલીમીટર 4.5 કરોડનું આશરે કામ છે। આનાથી આ વિસ્તારમાં જે ચોમાસામાં પાણી ભરાતું એ પ્રશ્નનો ઉકેલ આવશે અને ચોમાસામાં ઘરોમાં પણ પાણી ભરાતું અને ટૂંક સમયમાં કામ ચાલુ થશે અને 7 મહિનામાં એટલે આવતા ચોમાસા પહેલાં આ કામગીરી પૂરી થશે। आज रोज मांजलपुर विधानसभा में समाविष्ट दक्षिण जोन तरसाली आदर्शनगर थी रूपारेल घास तरफ वरसादी गटर नाखवानी कामगिरी आज खातमुहूर्त करवामां आव्युं। लगभग 4.5 करोड़ बजेट छे अने आ लाइन नाखवाथी आ विस्तार में वरसादी पाणी भरावानी समस्यानो अंत आवशे अने लोकोने एक पाणी भरावानी समस्यामांथी कायमी मुक्ति मळशे।